एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज। हमें फैक्टराइज करना है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटीज बताती हूँ। हमारे पास होती है एक आइडेंटिटी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो पहले हमें इसको, जो हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको हमें इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये फैक्टराइज करना है। तो अब देखिए, एक्स क्यूब हमारे पास है 27x³, तो 27x³ को हम क्या ले सकते हैं, 3x का होल क्यूब, यानी कि x की प्लेस पर आ गया 3x, ठीक है। y³ ही रहेगा, z क्यूब भी रहेगा, z³, ठीक है। माइनस, अब इस तरह लिखिए 3xyz, 3 हमारा आइडेंटिटी में है, x के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 3x, yz सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड। अब हमारे पास, हमें मालूम है x क्या है, 3x, 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में। और सेकंड ब्रैकेट में हमें क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, एक्स क्या है, 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड, वाई जेड ही रहेगा, माइनस जेड एक्स, जेड इंटू एक्स के प्लेस पर हमारे पास 3x है, ठीक है, 3x। अब इसे और सॉल्व कर देते हैं, 3x प्लस वाई प्लस जेड और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरीफाई दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड और अगेन दूसरे ब्रैकेट में गिवन है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो LHS और ये हो गया RHS, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले मैंने लिया LHS, LHS हमें क्या गिवन है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ये आइडेंटिटी बन गई हमारी, ये किसके इक्वल होती है, x प्लस वाई प्लस जेड पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, ये इसके इक्वल होती है। तो ये LHS को सॉल्व करके हमने ये लिया है, ठीक है। अब हमने लिया RHS, RHS क्या है हमारे पास, 1/2 फिर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज और अगेन ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब LHS को हमने सॉल्व कर लिया, LHS ये था, ये आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई प्लस जेड फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब हम RHS को, RHS जो हमें गिवन है हमने वो लिखा, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। देखो, आप ये बीच में भी लिख सकते हो, जेड स्क्वायर बाद में भी लिख सकते हो, सेम चीज़ है, ठीक है, इसमें इसमें कोई फर्क नहीं है। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz या वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे कैसे भी लिख लो। अब है जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर
तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वन बाय टू और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं। अब यहाँ देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी की टर्म्स लिखिए, माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। इसके बाद क्या आएगा, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज है। अब देखिए यहाँ पे इस ब्रैकेट में सारे टर्म्स में टू है ना, तो हमने टू बाहर कॉमन ले लिया। टू कॉमन लेने के बाद हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बचा। अब वन बाय टू मल्टीप्लाई टू, इस टू से ही वाला टू कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब आप स्टार्टिंग में आ जाइए थोड़ा सा ऊपर। हमारे पास जो एल एच एस सॉल्व करके आया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आया था। और आर एच एस को सॉल्व करके भी हमारे पास यही आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस।